शार्क जो है ना भाई पानी के ऊपर काफी बढ़िया तरीके से। अभी दोस्तों यहाँ पे घर आते हैं, दोनों के बीच में रेस देखते हैं कौन सी शार्क जो है सबसे ज्यादा। Hey guys, welcome back to the Chatpat Toy TV. मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में देखो गाइस बड़ी खतरनाक शार्क्स की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये है ब्लू फिन आरसी शार्क, ये है गोल्डन कलर फ्लैट हेड आरसी शार्क। दोनों के बीच में कराते हैं फाइट, देखते हैं दोनों में से कौन सी शार्क है सबसे ज्यादा जबरदस्त। तो चलो दोस्तों फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और इसकी अनबॉक्सिंग कराते हैं फाइट, लेट्स स्टार्ट। तो ये जो शार्क है मैंने रिसेंटली बैंगूट से खरीदी थी, इसका प्राइस है 2600 रुपीज। इसको आप खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ यहाँ पर आपको एक बैग दिखाई देगा, बैग पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको इसका बाय लिंक वहां पर मिल जाएगा। बॉक्स देखो गाइस इसका काफी ज्यादा कमाल का इन लोगों ने बॉक्स डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पर देखो व्हेल शार्क बोलकर लिखा है, पूरी तरीके से गोल्डन कलर की शार्क है। यहाँ पर देखो अपनी शार्क है, पीछे की तरफ देखो यहाँ पर ब्लैक कलर की शार्क है। अच्छा तो ये जो शार्क है दो कलर में मिलती है, गोल्डन और ब्लैक। अपने पास जो है वो है गोल्डन कलर वाली शार्क। तो चलो फटाफट से जो है मैं इसको अनबॉक्स करके आपको बता देता हूं। देखो गाइस यहां पर सबसे ऊपर मिला है इसका रिमोट, रिमोट भी देखो गाइस ब्लैक और गोल्डन कलर का मिला है, पूरी तरीके से अपने शार्क के कॉम्बिनेशन में मिला है। तो यहां पर कुछ चीजें मिलती है, आपको फटाफट से मैं सारी चीजें बता देता हूं। तो यहां पर दो एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स मिले हैं और यहां पर देखो कुछ स्क्रूज मिले हैं हमें, और यहां पर है बैटरी को चार्ज करने का चार्जर, और ये है इसकी बहुत ही छोटी सी बैटरी, और ये है एक स्क्रू ड्राइवर। अभी दिखाता हूँ गाइस आपको सबसे गजब की चीज, यहाँ पर देखो गाइस ये है गोल्डन शार्क की पीछे वाली टेल, और यहाँ पर है अपनी गोल्डन वाली शार्क। तो इसको फटाफट से जो है गाइस यहाँ से हम लोगों को अटैच करना होता है। तो यहाँ पर देखो गाइस इसको मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है, बहुत ज्यादा ईजी है। अभी देखो गाइस ये है अपनी गोल्डन वाली शार्क, भाई साहब काफी ज्यादा डेंजर नजर आ रही है यार। इसके बारे में बात करते हैं बाद में, फटाफट से अपनी एक और शार्क को बॉक्स के अंदर से निकाल लेते हैं। इसको मैंने अमेजोन से खरीदा था सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको इस शार्क का भी, वहां से जाकर आप चाहे तो इस शार्क को भी खरीद सकते हो। ओ भाई देखो यार क्या चीज बनाई है भाई साहब इन लोगों ने। फिलहाल इसको रखते हैं अपन साइड में, इसके साथ क्या क्या चीजें मिली है सारी चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों इसका 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का रिमोट, और ये है इसका चार्जर, और ये है इसकी छुटकू सी बैटरी। ओ गाइस यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो दोनों ही शार्क्स को जो है मैंने टेबल पर रख दिया है। दोनों की लेंथ देखो गाइस बिल्कुल सेम टू सेम दी गई है, दोनों की चौड़ाई भी बिल्कुल सेम टू सेम है, और दोनों का पीछे वाला जो पार्ट है बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई देता है। डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ, डिफरेंस है इनका लुक। ये जो ब्लू कलर की शार्क है इसको काफी ज्यादा डिटेल में इन लोगों ने बनाया है। यहाँ पर देखो गाइस इसके आईज काफी अच्छी तरीके से नजर आ रहे हैं, इसके टीथ भी काफी अच्छी तरीके से नजर आ रहे हैं। वहीं अपनी गोल्डन कलर की शार्क देखो यार, इसके आईज जो है प्रॉपर तरीके से नजर नहीं आते हैं, यहाँ पर इन लोगों ने प्रॉपर कलर नहीं किया है। और यार यहाँ पर देखो इसका माउथ है, यहाँ पर भी इन लोगों ने प्रॉपर कलर नहीं किया है, इसके टीथ वगैरह कुछ नजर ही नहीं आते हैं। बाकी इन दोनों के हेड्स भी देखो गाइस बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसका जो हेड है बहुत ज्यादा शार्प है, इसका जो हेड है पूरी तरीके से फ्लैट दिया गया है, यानी कि ये जो शार्क है पूरी तरीके से फ्लैट हेड शार्क है। बाकी इन दोनों के सामने वाले फिन्स देखो गाइस, इसके जो फिन्स है बहुत ज्यादा डिजाइन किए हुए हैं इन लोगों ने, इसके जो फिन्स है थोड़े से डिजाइन है। और अगर नीचे की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो गाइस देखो दोनों जो है नीचे की तरफ से बिल्कुल सेम टू सेम नजर आते हैं। यहां पर देखो दोनों के दो दो प्रोपेलर्स है, इस तरफ और इस तरफ बिल्कुल सेम टू सेम दिए गए। यहां पर देखो दोनों का ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है। बाकी ये देखो गाइस ये है इसका पीछे का एरिया, यहाँ पर देखो इसकी टेल है, वहीं ये देखो गाइस ये भी जो है बिल्कुल सेम टू सेम नजर आती है। यहाँ पर भी दो एक्स्ट्रा फिन्स है, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है ये शार्क। दोनों की क्वालिटी बिल्कुल सेम टू सेम दी गई है। दोनों के अंदर ऊपर की तरफ रिमोट से कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर सेंसर है, यहाँ पर सेंसर है। इन शार्क्स को जो है जब तक आप पानी में नहीं डालोगे ये चलने वाली नहीं है। दोनों का रिमोट देखो गाइस बहुत ही ज्यादा अलग है, इसका देखो यार कुछ अलग ही डिजाइन है, और इसका देखो गाइस कुछ अलग ही डिजाइन है। दोनों के अंदर ऊपर की तरफ ट्रिगर्स भी देखने को मिलते हैं, यहाँ पर भी देखो ट्रिगर्स दिए गए हैं। दोनों ही रिमोट्स के अंदर ये वाला रिमोट जो है भाई काफी तगड़ी क्वालिटी का नजर आता है, वहीं ये जो रिमोट है काफी ज्यादा स्टाइलिश नजर आता है। पीछे की तरफ दोनों के अंदर डबल ए बैटरीज डालनी पड़ती है दो दो। तो चलो दोस्तों अभी चलते हैं बाहर अपने तालाब के पास, वहां पर जाकर दोनों को टेस्ट करते हैं, देखते हैं कौन जीत पाता है, लेट्स गो।
दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने तालाब के पास। सबसे पहले टच करते हैं अपनी गोल्डन शार्क को। मैंने पानी के अंदर डाल दिया है, रिमोट ठीक ठाक सा ही काम कर रहा है और अपनी शार्क जो है ना भाई पानी के ऊपर काफी बढ़िया तरीके से तैर रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इस शार्क को जो है मैं पानी के अंदर बहुत दूर तक भी लेके जा चुका हूँ, इसको वापस भी लेके आ चुका हूँ। देखो गाइस यहाँ पर मेरे को जो है ना छोटी सी दिक्कत लग रही है, ये जो शार्क है ना यार चलते टाइम उतनी ज्यादा कुछ रियलिस्टिक नजर नहीं आ रही है, बाकी टर्न वगैरह काफी अच्छी तरीके से ले लेती है। अभी मैं आपको रिमोट का व्यू दिखाता हूँ। देखो गाइस जैसे हम इसके अंदर दो ट्रिगर एक साथ प्रेस करते हैं ये आगे की ओर जाने लगती है। तो भाई यहाँ पर इसका थोड़ा सा स्पीड अपन बढ़ा लेते हैं। देखो गाइस इसकी स्पीड मैंने बढ़ा दी है। ओ भाई काफी अच्छी तरीके से राउंड मार रही है, यहाँ पर देख सकते हो गाइस काफी कमाल की लगी मेरे को गोल्डन शार्क। अभी चलाते हैं अपनी टाइगर शार्क को। ये जो शार्क है ना भाई काफी ज्यादा रियलिस्टिक नजर आती है, जैसे कि आप इसके पीछे वाली टेल देख सकते हो गाइस क्या जबरदस्त तरीके से मूव करती है। अगर भाई आप इसको दूर से देखोगे ना गाइस बिल्कुल भी यकीन नहीं मानोगे कि ये एक आरसी शार्क है, बिल्कुल एक रियलिस्टिक फिश की तरह ही दिखाई देती है। और भाई देखो इस तरह से राउंड भी काफी अच्छी तरीके से घूम लेती है। इसका रिमोट मेरे को बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिव लगा। अभी दोस्तों यहाँ पे कर आते हैं दोनों के बीच में रेस, देखते हैं कौन सी शार्क जो है सबसे ज्यादा फास्ट तरीके से इस पानी के ऊपर चल सकती है। तो यहाँ पर देखो दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो चुकी है कि कौन पहले यहाँ से जाएगा। तो भाई चलो अभी दोनों को जो है एक सीध में लेके आते हैं, अभी चलाते हैं दोनों को स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो देखते हैं कौन यहाँ पर जीत पाता है। तो भाई अपनी गोल्डन शार्क जो है पहले आगे जा रही थी, तो यहाँ पर देखो अपनी टाइगर शार्क भी भाई कुछ कम नहीं है, थोड़ा सा आगे जा रही है। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर देखो गाइस अपनी टाइगर शार्क जो है गोल्डन शार्क से बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से पानी के ऊपर तैर सकती है। यार गोल्डन शार्क के अंदर पता नहीं क्या दिक्कत है, देखो यार इतना ज्यादा स्लो आ रही है और बहुत ज्यादा पीछे भी छूट चुकी है। यहाँ पे क्लियरली विनर है अपनी टाइगर आरसी शार्क। दोस्तों यहाँ पे कराते हैं दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर, देखते हैं यहाँ पर कौन सी शार्क जीत पाती है, गोल्डन शार्क या फिर अपनी टाइगर ब्लू शार्क। देखो यार टाइगर शार्क जो है इसको खींच रही थी, पर यहाँ पर देखो गाइस अपनी गोल्डन शार्क भी कुछ कम नहीं है, ये भी इसको खींच रही थी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में जो पावर है बिल्कुल सेम टू सेम दी गई है, क्योंकि दोनों की जो प्रोपेलर्स है बिल्कुल सेम साइज के है। तो भाई दोनों के अंदर यहाँ पे टाई हो चुका है। अभी करते हैं दोनों के बीच में रेंज टेस्ट, देखते हैं पानी के अंदर कौन सी शार्क जो है बहुत दूर तक जा पाती है। भाई दोनों को देखो मैं बहुत अंदर तक लेके जा चुका हूं और भाई दोनों का जो रिमोट है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का ही देखने को मिलता है। तो भाई यहां पर देखो अपने गोल्डन शार्क का जो है यहां पर मेरे को कनेक्शन लॉस हो चुका है, गोल्डन शार्क जो है थोड़ा सा धीमे धीमे चल रही है। तो भाई यहाँ पे क्लियरली विनर है अपनी ब्लू कलर शार्क। तो अभी करते हैं दोनों के बीच में बैटरी टेस्ट, देखते हैं यहाँ पर कौन जीत पाता है। दोनों को जो है मैंने साइड बाई साइड बांध दिया है, दोनों को अभी चक्री की तरह मैं यहाँ पे घुमाऊंगा, देखते हैं किसकी मोटर जो है सबसे पहले बंद हो जाती है या फिर किसका प्रोपेलर जो है सबसे पहले रुक जाता है। यहाँ पर दोनों जो है काफी स्पीड से घूम रहे हैं। गोल्डन शार्क का प्रोपेलर जो है बंद हो चुका है, ब्लू कलर शार्क का प्रोपेलर अभी भी चल रहा है। नहीं नहीं गाइस इसके अंदर बैटरी भी बाकी है, देखो गाइस दोनों के बीच में यहाँ पे टाई हो चुका है, दोनों के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम बैटरी देखने को मिलती है। दोनों ही आरसी शार्क के अंदर एक दिक्कत है, इनके सामने जैसे ही थोड़ी सी झाड़ियां वगैरह आ जाती है देखो गाइस ये आगे नहीं बढ़ पाती है। गोल्डन शार्क भी बिल्कुल सेम टू सेम है, थोड़ी सी घास या फिर थोड़ी सी झाड़ियां आ गई तो गाइस ये यहां पर फंस चुकी है। अगर आप इन शार्क्स को खरीदते हो तो यार बिल्कुल क्लियर वाटर में ही चलाना गाइस, वरना ये जो शार्क है कहीं पर जाकर फंस भी सकती है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको टाइगर ब्लू कलर की शार्क पसंद आई या फिर फ्लैट हेड गोल्डन कलर की शार्क पसंद आई, नीचे कमेंट करो गाइस फटाफट से अभी का भी। दोस्तों आज मैं देने वाला हूं 10 लोगों को शाउट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है तनवीर, जीत सरकार, सुकुमार, विक्रम, मानस, मोहित बजाज, विक्रांत, वर्षित, मोहम्मद, दीपेंद्र। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। बाय बाय दोस्तों।